So in this we proved that work done is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. तो जो दो डिफरेंट एंगल्स हैं वो इनमें से कोई भी एंगल एनी वैल्यू ऑफ द एंगल वी कैन पुट एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो नेक्स्ट लाइन में इसके बाद का जो स्टेप होगा कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके सिंबल यू से. ओके तो एक तो रिलेशन आपके पास आता है ये वाला. उसके बाद क्या करना होता है नेक्स्ट, इसका एक स्पेशल केस है जिसमें एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको ये पता करना है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और दो डिफरेंट एंगल्स दे रखे हैं कि इनिशियली डायपोल इस एंगल पर था और बाद में डायपोल को डिस्प्लेस करके इस एंगल पे ले जाना है, तब तो हम पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. एक पर्टिकुलर केस होता है कि डायपोल इनिशियली जो है वो 90 के एंगल पर रखा था, परपेंडिकुलर टू द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड था, और बाद में उसको डिस्प्लेस करके किसी भी एंगल पर ले जाना है, तो उस केस में डिफरेंट रिलेशन यूज होता है. तो उसके लिए एक तो तरीका ये है कि अगर सिंगल एंगल दे रखा हो या ऐसा लिखा हो कि वो इनिशियली 90 पर था डायपोल सीधा रखा था, तो आपको वो वाला रिलेशन यूज करना है. तो इस वाले में हम एक पर्टिकुलर केस लगा देते हैं कि the dipole is initially perpendicular to the given electric field. अगर dipole initially electric field के perpendicular है तब आपको इनिशियल एंगल जो यहाँ थीटा वन दे रखा है वो आपको क्या लेना है 90, और थीटा टू एंगल कितना होगा फिर, थीटा टू जो है वो कोई भी एनी एंगल इट में भी थीटा टू इज इक्वल टू थीटा. तो जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे देन यू इज इक्वल टू पी ई और कॉस थीटा वन की जगह पे आ जाना है कॉस 90 माइनस थीटा टू होगा कॉस थीटा. ओके तो ये हमने इसी वाले केस में जो है इसी वाले रिलेशन में हमने ये केस अप्लाई किया है. देन वी गेट यू इज इक्वल टू पी कॉस 90 जीरो माइनस कॉस थीटा, या फिर यू इज इक्वल टू द रिलेशन बिकम्स माइनस पीई कॉस थीटा. तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. जो इक्वेशन टू है वो इक्वेशन वन का ही एक पर्टिकुलर केस है लेकिन वो सेपरेट यूज हो जाता है, उसके न्यूमेरिकल सेपरेट आते हैं और बाकी के जो स्पेशल केसेस हैं वो लगाने भी सेकेंड इक्वेशन में ही होते हैं, फर्स्ट में नहीं लगाने होते हैं. तो फर्स्ट बस इतना बता रहा है कि किसी भी एंगल पर था और किसी भी एंगल पर ले जाना है, दो डिफरेंट एंगल्स हैं और दोनों ही अननोन है तब आपको इसको यूज करना है. और अगर उसमें सिर्फ एक एंगल दे रखा है कि डायपोल को डिस्प्लेस करके इस एंगल पर ले जाया गया तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हुआ कि डायपोल पहले 90 पे था और अब इस एंगल पर ले जाना है. तो यहाँ पर माइनस का साइन आता है माइनस पी कॉस थीटा, और इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निगेटिव है, डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो पहले परपेंडिकुलर था, बाद में उसको किसी डिफरेंट एंगल पर ले जाना है, तो इसलिए वहां पर माइनस का साइन आ रहा है. क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि एक्सटर्नल सोर्स से अगर वर्क हो रहा है, स्टोर हो रहा है बॉडी के अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और पॉजिटिव होगी, और अगर बॉडी खुद से वर्क कर रही है तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. तो अगर वो 90 पे था स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा तो इसका मतलब जितनी स्टोर्ड एनर्जी थी उसके अंदर वो खर्च हो रही है, और स्टेबल स्टेट में आ रहा है तो स्टेबल में तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाती है. तो इसलिए माइनस का साइन आने का मतलब या डिक्रीज होने का मतलब है कि बॉडी इज डूइंग वर्क, और प्लस का साइन या इंक्रीज तब होता है जब एक्सटर्नल सोर्स से वर्क किया जा रहा है डायपोल पर, उसको किसी पर्टिकुलर एंगल पर ले जाया जा रहा है. तो टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स. तो पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन ये है, सेकेंड रिलेशन इज दिस. फिर आते हैं इसके स्पेशल केसेस, और वो स्पेशल केसेस आपको किसमें लगाने हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन में लगाने हैं. तो जब भी ये डेरिवेशन आएगा तो आपको सेकेंड इक्वेशन तक पहले ड्राइव करना होगा. सो नाउ आप जो स्पेशल केसेस लगाने हैं उसमें वही थ्री एंगल्स होते हैं. तो सबसे पहला जो स्पेशल केस है उसमें व्हेन
थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए आप लगा रहे हैं स्टेबल के लिए थीटा जीरो है, तो थीटा जीरो होने का मतलब डाइपोल कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। स्टेबल स्टेट में मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि डायपोल को हम कैसे रखते हैं, माइनस चार्ज इधर रखते हैं प्लस चार्ज इधर रखते हैं, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल गिवन है उसकी भी डायरेक्शन सेम है। तो जब भी डायपोल स्टेबल स्टेट में होता है, तीन चीजें आपको याद रखनी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। तो जीरो एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लेकिन स्टेबल में जीरो से भी कम होगी, मींस द आंसर विल बी विद माइनस साइन, माइनस साइन के साथ में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो जब थीटा जीरो हो जाता है इस केस में तो कहलाता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान रखिएगा। स्टेबल का मतलब अब डाइपोल जो है वो अपनी पोजीशन इस वाले एंगल से अपने आप से चेंज नहीं करेगा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी डाइपोल डिस्प्लेस होगा, अदरवाइज वो इसी स्टेट में रहेगा, इसीलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यू इज इक्वल टू माइनस पी ई, एंगल विल बी कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन, तो यू इज इक्वल टू माइनस पी ई। तो नेगेटिव में आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब बहुत कम वैल्यू है इसकी, इसीलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, एंड दिस इज द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हिच इज पॉसिबल। तो यार ये जो है आपका माइनस पी स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस था। सेकेंड आपका आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में स्टेबल के बाद जो भी जितने भी एंगल्स हैं वो सब अनस्टेबल ही रहेंगे, क्योंकि डाइपोल उन पे रखने से डिस्प्लेस होकर अपने आप वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आएगा। तो मान लीजिए हम सेकेंड केस अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, मतलब इसको इस डायरेक्शन में ले जाते हैं और 90 इज दिस, तो मान लीजिए पहले थीटा इज इक्वल टू 90 हम पुट कर दे रहे हैं, तो यू इज इक्वल टू माइनस पी ई एंड एंगल इज कॉस 90, तो कॉस 90 आपका हो जाएगा जीरो, तो यू इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये कहलाती है पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, इनके पर्टिकुलर नेम से भी पूछा जा सकता है, जैसे ड्राइव द केस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उसमें एंगल गिवन नहीं है, आपको खुद से पता है कि एंगल इज जीरो, ऐसे ही ड्राइव द केस फॉर जीरो एनर्जी, तो ये वाला केस आपको ड्राइव करना है। थर्ड जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, क्योंकि थर्ड वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ओके। तो थर्ड केस को जब हम ड्राइव करते हैं तो वी हैव टू राइट लाइक दिस, स्पेशल केसेस यहाँ पर टोटल थ्री है, नाउ वी हैव टू राइट लाइक दिस, थर्ड स्पेशल केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, जब थीटा 180 होगा तो आपको पुट करना है यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180, जब इसमें कॉस 180 पुट करेंगे तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन होगी और माइनस साइन यहाँ आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस साइन के साथ में आएगी, प्लस, और प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो डायपोल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड है अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अभी इसके पास बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है और ये किस डायरेक्शन में रखा है, तो अगर ये डायरेक्शन थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इसका मतलब डायपोल जो रखा हुआ है उसका माइनस साइन इधर है और प्लस साइन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो केसेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रिपल्जन होगा डाइपोल को, अगर यहाँ पे रखा हुआ है एक्सटर्नल फोर्स लगा के तो जैसे ही उसको रिलीज किया जाए तो ऑटोमेटिकली डाइपोल वर्क करेगा अपनी स्टेबल स्टेट में आने के लिए, तो पूरा 180 के एंगल से उसको घूमना पड़ेगा, इसका मतलब वो मैक्सिमम रोटेशन करेगा, सबसे ज़्यादा मोशन करेगा। तो इस केस में क्योंकि जितना ज्यादा वर्क डाइपोल कर पा रहा है तो उतनी ही उसके पास स्टोर्ड एनर्जी है, तो जब ऐसा वाला केस होता है प्लस में पोटेंशियल एनर्जी आ रही है तो वो कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि डाइपोल को इस स्टेट में बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो पोजिशन है ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ओके।
तो ये आपको यहाँ पे रिवाइज करना है, देखना है, फिर इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल इसमें बेस्ड मैं बता रही हूँ, उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। सो नाउ न्यूमेरिकल जो है उसकी इमेज आपको सेंड कर दी जाएगी और यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। तो न्यूमेरिकल इज गिवन हियर, आई एम रीडिंग दैट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। डाइपोल की लेंथ कभी भी अगर गिवन होगी तो उसका मतलब है कि आपको पूरा 2A नोट करना है। डाइपोल की लेंथ 2A होती है, नोट ओनली A नहीं नोट करेंगे, पूरा 2A नोट करेंगे। ये गिवन है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो कन्वर्टिंग दिस इनटू मीटर, 4 × 10⁻²⁪ मीटर। और क्या गिवन है यहाँ, व्हेन प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल इज गिवन हियर, एंगल कितना बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके साथ में गिवन है टॉर्क, एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क ऑफ 4√3 Nm। टॉर्क की वैल्यू गिवन है 4√3 Nm। और आपको फाइंड क्या करना है, इसमें टू पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फाइंड करना है, और सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इफ द डायपोल हैज चार्जेस ऑफ ±8 नैनो कूलम। चार्जेस जो है वो नैनो कूलम में है तो कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू प्लस माइनस, तो चार्जेस हैं 8 नैनो कूलम। और फाइंड क्या करना है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी U आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो रिलेशन जो है, रिलेशन जो यहाँ यूज होगा वो दो होंगे, एक तो टॉर्क दे रखा है और दूसरा एक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, इस वाले ऑप्शन में U फाइंड करना है। तो ये गिवन पार्ट है इसका, गिवन इज दिस लेंथ ऑफ द डायपोल, थीटा, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो रिलेशन यूज होगा उसमें आपको टॉर्क का फॉर्मूला यूज करना है, वी नोट टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, और दोनों के लिए ही एंगल कॉमन है, दोनों केसेस में सेम एंगल पुट करना है। तो थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो टाउ अपॉन साइन थीटा, टाउ अपॉन पी साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू है 4√3 अपॉन पी। पी इज व्हाट, डायपोल मोमेंट, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि आपको पता है डायपोल मोमेंट की वैल्यू 2a into q लिख देते हैं। तो 2a की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻²। और साथ में चार्ज भी गिवन है तो प्लस माइनस 8 है, मैग्नीट्यूड आपको लगाना है, तो नो मैटर प्लस या माइनस कोई भी लगा सकते हैं। नैनो कूलम से कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁹ कूलम। तो अगेन लुक एट द वैल्यूज, ये गिवन है 4√3 टॉर्क, पी डाइपोल मोमेंट होता है, उसको 2a × q लिखा है, ये 2a की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, और साथ में लिखा है यहाँ पर साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो साइन 60 पुट करेंगे √3 / 2, तो दिस इज √3 और अपॉन में जो 2 है दैट विल कम हियर। ओके, तो कैलकुलेशन जो है वो कुल मिलाकर इजी है, कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो दिस इज 1/4। नंबर्स में 1/4 बचा, यानी कि 0.25 और 10⁻², और −9 −11 है, तो न्यूमरेटर में +11 हो जाएगी। दिस इज व्हाट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको लिख देंगे न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, कुछ भी लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ रहा है, तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन यू कैन इसको नोट कर लीजिए। इसका दूसरा पार्ट एक और है, सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी एंगल से पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा रिलेशन आपको यहाँ पर यूज करना है। तो अब यहाँ मैंने दे रखा है 60 डिग्री, लेकिन 60 का मतलब एक एंगल है, और एक एंगल का मतलब इसको 60 पर लाया गया होगा,
तो कहाँ से लाया है, 90 के एंगल से, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंगल एंगल वाला रिलेशन है, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि एंगल अगर सिंगल दे रखा है तो आपको यही वाला रिलेशन, मेन रिलेशन है ही ये, तो माइनस पी की वैल्यू यहाँ जो गिवन है 4 × 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी फाइंड की है 0.25 × या फिर 0.25 की जगह 1/4 क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, और 10^11 एंड cos थीटा cos 60। तो यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया इसको, cos 60 विल बी 1/2, तो आंसर माइनस में इसका आना है 10^11 माइनस 2, 10^9 आएगी, और दिस इज 1/2, 10^9 या फिर 0.5 × 10⁹ जूल, ये आ रहा है आंसर पोटेंशियल एनर्जी का। सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, देन नोट इट, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और उसके बाद फिर हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक। ये रिवीजन का है जो आप रिवाइज कर चुके हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स आपको स्टडी करना है इसमें। तो नाउ इसको नोट कर लीजिए, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गिवन हियर। यहाँ मैं हेडिंग लिख दे रही हूँ जो आपने पढ़ा था पहले, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर यू राइट बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, क्या क्या नेचर शो करता है, तो ऐसे वाले जो है 6 केसेस हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखने से, जो पॉसिबल केसेस हैं 2 are 6। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट जो केस है वो आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी भी कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। कंडक्टर के इंटीरियर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा 0 होती है। तो हाउ टू मेक द डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डायग्राम शो करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और कंडक्टर को कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा है, ये लाइन्स को आपको यहाँ पे टच नहीं कराना है, ये कंडक्टर को क्रॉस करके जा रहे हैं। तो कंडक्टर वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रखा गया तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। जैसा आपको पता है कि इंड्यूस्ड चार्जेस जो हैं वो इस तरह से बन जाते हैं, एज अ होल जो कंडक्टर का पूरा चार्ज था वो 0 था, प्लस और माइनस कंबाइंड फॉर्म में थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगता है वो फोर्स एंड चार्जेस को सेपरेट करना स्टार्ट कर देता है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड ये वाला जो एंड था ये प्लस था, तो यहाँ पर माइनस वाले चार्जेस का कलेक्शन हो जाता है, और यहाँ माइनस चार्ज आ जाने से इंडक्शन की वजह से जो दूसरा वाला एंड है उस पर प्लस चार्जेस आ जाते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो आपको ध्यान ये रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये प्लस वाला एंड है तो वहां पर इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्जेस माइनस कलेक्ट होते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस एंड है तो यहाँ पर जो चार्जेस आते हैं वो प्लस आते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो इसके अंदर चार्जेस सेपरेट हो गए उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुई उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस यानी कि गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट हो गई। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये प्रोसेस कब तक रहता है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वैल्यू को इंक्रीज करती रहती है क्योंकि चार्जेस अभी जो है सेपरेट हो रहे हैं, पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाए हैं। चार्जेस का जो सेपरेशन का प्रोसेस है दैट इज गोइंग ऑन। तो जब चार्जेस सेपरेट होते रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड है अपनी वैल्यू को बढ़ाती रहती है, और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहता है? जब तक कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस्ड वाली, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाती। तो उस कंडीशन में जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। इंटीरियर में जो कंडक्टर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हम टोटल जब करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपोजिट है किसके? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये अपने आप को जब डेवलप करना स्टार्ट करती है, इंक्रीज करना स्टार्ट करती है, तो ये दोनों फील्ड्स बराबर हो जाती हैं, और जब ये बराबर हो जाएंगी तो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी इसकी। बाकी जो प्रॉपर्टीज है, रेस्ट फाइव प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो देयर, वो हमें स्टडी करना है इसके बाद में, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्म से। ओके, थैंक यू।